टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक लाइकन। ठीक है, आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है लाइकन। लाइकन एक्चुअल में क्या होते हैं? लाइकन इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, जो लाइकन है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बीच में भी आपका ये एसोसिएशन हो सकता है एल्गी की जगह। साइनोबैक्टीरिया जो है इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं एल्गी से। इसके अंदर जो नॉन फंगल पार्ट होता है उसको हम फाइकोबायोंट बोलते हैं और जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, लाइकन के अंदर जो लाइकन्स होते हैं आपके स्मॉल होते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के ये आपको दिखाई देते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल है वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। फाउंड ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, जो आपके लाइकन है ये जो बार्क होती है ट्री की उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ग्राउंड सरफेस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, रॉक के ऊपर, फेंसेस के ऊपर, रूफ के ऊपर और आपके जो अदर मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे भी जो आपके लाइकन्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। जो लाइकन्स हैं मे बी ऑफ वेरिड कलर। जो लाइकन्स होते हैं आपके डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे ग्रे कलर के हैं, ग्रेइश, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ऑरेंज और रेड। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं डिफरेंट जो कलर है हमें लाइकन्स के इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजी टाइप ऑफ लाइकन, जो लाइकन्स होते हैं ये अलग अलग इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है इनको बाहर जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को देख के डिफरेंट इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है आपकी क्रिस्टोस टाइप, सिक्वामुलोस टाइप, पोलियोस टाइप एंड फ्रूटिकोस टाइप। ठीक है, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं क्रिस्टोस टाइप होते हैं, क्रस्ट लाइक होते हैं, स्क्विमर्स जो लाइफ है आपकी पियर लाइक होते हैं और जो पोलियोस टाइप है नाम से ही पता चल रहा है आपको लीफ लाइक होते हैं। फ्रूटिकोस के अंदर आपके छोटे छोटे ये हाईली ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके फ्रूटिकोस होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। क्रिस्टोस जो है क्रिस्टोस आपके क्रस्ट लाइक ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, क्रस्ट लाइक ये ग्रो करते हैं, टाइटली बाउंड अगेंस्ट द सबस्टेटम, जो इनका स्टेटम है जहां पे ये ग्रो करेंगे, जिस भी सबस्टेटम के अंदर, चाहे ये ग्राउंड के ऊपर ग्रो करें या फिर ट्री के ऊपर ग्रो करें या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टाइटली बाउंड। क्रिस्टोस के जो एग्जाम्पल है ग्राफिक्स है, लिकोनोरा है, हिमेटोटोमा है, तो क्रिस्टोस के अंदर ये लाइकन आपके आते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें सरफेस के ऊपर आपका जो लाइकन है थोड़ा सा लाइट ग्रीन और ब्राउनिश कलर का आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये आपका क्रिस्टोस टाइप है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो कोर्टेक्स लेयर होती है। जो ग्रीन कलर के जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको ये आपकी ग्रीन लेयर है जो आपकी एल्गल लेयर है। उसके बाद इसके अंदर मेडुला प्रेजेंट होता है, जो मेडुला है वो आपका अटैच होता है विद द सबस्टेटम, तो ये क्रिस्टोस टाइप है। नेक्स्ट है आपकी फोलियोस टाइप। जो फोलियोस टाइप होती है लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर होता है विद फ्लैट शीट ऑफ टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू होता है इसके अंदर फ्लैट शीट इसकी प्रेजेंट होती है, नॉट टाइटली बाउंड, जैसा कि क्रिस्टोस के अंदर था टाइटली बाउंड होता है, लेकिन फोलियोस के अंदर ये टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, फोलियोस जो है आपका फाइसिया है, गायरोपोरा है, फार्मेलिया है, तो ये सारे आपके फोलियोस के अंदर आते हैं। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें जो ग्रीन कलर का जो फार्मेलिया है आपको दिखाई दे रहा है, लीफ लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर है छोटे छोटे, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी आपकी सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो कोर्टेक्स लेयर होती है, फिर एल्गल लेयर होती है, फिर मेडुला होता है एंड देन लोअर कोर्टेक्स, और लोअर कोर्टेक्स से आपके निकलते हैं राइजाइन्स और ये राइजाइन से फिर आपका सबस्टेटम से ये अटैच है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टोस और फोलियोज में वो क्या है कि जो उसके अंदर तो मेडुला डायरेक्ट अटैच है विद द सबस्टेटम, लेकिन जो फोलियोज है इसमें राइजाइन अटैच होते हैं विद द सबस्टेटम, तो इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सबस्टेटम, लेकिन जो क्रिस्टोस है वो इतनी जल्दी से उसको सेपरेट करना ईजी नहीं होता। थर्ड जो टाइप है वो है फ्रूटिकोज। ठीक है, फ्रूटिकोज जो टाइप होती है फ्री स्टैंडिंग ब्रांचिंग ट्यूब होती है। ठीक है, फ्री स्टैंडिंग ये आपकी रहती है, ब्रांच इसके अंदर स्ट्रक्चर निकलेंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, रिबन लाइक इसकी जो फॉर्म होती है। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं ब्रांचिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, यूसिनिया है, इवीमिया है, तो ये इसके एग्जाम्पल है किसके, फ्रूटिकोज के। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन। जो लाइकन होता है द पार्ट ऑफ द लाइकन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसको हम थैलस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, थैलस का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो है आपका अपर कोर्टेक्स, देन सेकंड पार्ट जो है वो है एल्गल जोन, एंड थर्ड इज द मेडुला, एंड फोर्थ इज द लोअर कोर्टेक्स। तो चार इस पार्ट में इसको थैलस को डिवाइड किया गया है, अपर कोर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला एंड लोअर कोर्टेक्स। जो अपर कोर्टेक्स जो लेयर होती है, कोर्टेक्स इज ए प्रोटेक्टिव स्किन,
जो अपर कॉर्टेक्स है ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन का काम करती है, डेंसली पैक्ड फंगल फिलामेंट, जो फंगल फिलामेंट प्रेजेंट होता है लाइकन के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो अपर कॉर्टेक्स है प्रेजेंट ऑन द टॉप साइड, जो ऊपर की साइड होगा वहां पे जो है आपका अपर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। इस डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम की हेल्प से कि सबसे पहले जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, आपकी अपर कॉर्टेक्स की लेयर है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो सेल जो है अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ वेल मैनर्ड तरीके से। सेकेंड जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एल्गल लेयर है आपकी। ठीक है, ये एल्गल वाली लेयर है, एल्गी का पार्ट इसमें है। थर्ड जो है इसके अंदर वो है आपका, इसके अंदर जो है मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, मेडुला का जो इसके अंदर पार्ट है वो इसके अंदर आपका फंजाई वाला पार्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और मेडुला के बाद जो इसका स्ट्रक्चर जो नीचे साइड आता है वो है आपका लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, लोअर कॉर्टेक्स के इसके अंदर से आपको क्या दिखाई देते हैं, रिजाइंस निकलते हैं जो कि सबस्टेटम से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सबस्टेटम है इसके साथ अटैच होके तो जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन है इसमें हम देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो अपर कॉर्टेक्स की होती है, फिर इसमें एल्गल लेयर होती है और फिर एल्गल लेयर के बाद इसमें मेडुला प्रेजेंट होता है, मेडुला के बाद लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है एंड देन रिजाइन, और रिजाइन जो है किसी भी सबस्टेटम से आपका अटैच होता है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन के बारे में जाना है। नेक्स्ट इसमें आता है एल्गल जोन। एल्गल जोन के अंदर इसके क्या प्रेजेंट होता है, दीज आर ओपन एंक्लोजिंग एल्गी विद इन द कॉम्प्लेक्स फंगल टिश्यू। ठीक है, जो ये एल्गल जोन होता है इसमें क्या होता है, एंक्लोजिंग एल्गी विद इन द कॉम्प्लेक्स फंगल टिश्यू। ठीक है, एल्गी अंदर की तरफ होती है। ठीक है, एंक्लोजिंग विद इन द कॉम्प्लेक्स फंगल टिश्यू, और फंगल टिश्यू जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है इसमें। नेक्स्ट जो पार्ट आता है मेडुला, जो मेडुला होता है ये सेंट्रल पार्ट होता है किसका, थैलस का, जो लाइकन का जो थैलस होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम मेडुला बोलते हैं। इट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द थैलस, जो मेडुला है थैलस का मेन पार्ट बनाता है। दीज आर द कंडक्टिंग सेल्स, और जो मेडुला के अंदर जो सेल्स होती है वो कंडक्टिंग सेल्स हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती हैं, और कंडक्टिंग सेल्स का मतलब होता है कि इसके अंदर से आपका जो वाटर है या मिनरल्स हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो मेडुला के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं, कंडक्शन का ये काम करती हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो है आपकी लोअर कॉर्टेक्स। जो लोअर कॉर्टेक्स होता है इट इज प्रेजेंट बिलो द मेडुला, जो मेडुला लेयर है उसके नीचे आपकी लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। इट इज नैरो लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी, ये भी आपकी नैरो लेयर होती है और किस चीज से बनी होती है, हाइफी। ठीक है, फंजाई से ये आपकी बनी होती है। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन के अंदर चार लेयर पढ़ी है, जो फर्स्ट लेयर थी वो हमारी क्या थी, अपर कॉर्टेक्स, जो सेकंड लेयर है वो क्या है, एल्गल जोन, और थर्ड लेयर जो पढ़ी हमने वो क्या है, मेडुला, एंड द फोर्थ लेयर इज द लोअर कॉर्टेक्स। तो चार लेयर के बारे में हमने इसका स्टडी किया है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन के अंदर। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो लाइकन है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेथड है वो आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि इसके जो आपका पार्ट होता है फंजाई का जो पार्ट है, ठीक है, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, आपके कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो जाए, कुछ सेल्स की डेथ हो जाए, तो वहां से जो पार्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और जो ब्रेक वाला पार्ट है वो क्या है आपका थैलस के अंदर ग्रो करके चेंज हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन, जो आपका फ्रेगमेंटेशन है सबसे इफेक्टिव वे है रिप्रोडक्शन का। इट इज फाउंड इन पोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकन, जो फ्रेगमेंटेशन है ये कौन कौन से टाइप के लाइकन के अंदर पाया जाता है, पोलियोज के अंदर एंड फ्रूटिकोज लाइकन के अंदर। और ये फ्रेगमेंट जो है बनते किस कारण से है, मैकेनिकल स्ट्रेस हो जाए कोई, या डेथ ऑफ द सम सेल्स, कुछ सेल्स के बीच में से डेथ हो जाए तो वहां से क्या जो है थैलस वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, थैलस इनटू द फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट हैज ग्रोइंग एरिया, और हर एक फ्रेगमेंट के पास ग्रोइंग एरिया होता है, और उस ग्रोइंग एरिया से जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और वो द ग्रोइंग एरिया ग्रो टू फॉर्म द न्यू थैलस, और ग्रोइंग एरिया से ग्रो करने के बाद उसका आपका न्यू थैलस बन जाएगा। सेकेंड जो मेथड होता है वो है आपका इसीडिया। दीज आर स्मॉल पेपिला लाइक आउटग्रोथ, जो इसीडिया होते हैं पेपिला लाइक आउटग्रोथ होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ थैलस, जो थैलस होता है उसके ऊपर वाले सरफेस पे आपके जो इसीडिया है वो प्रेजेंट होते हैं। जो इसीडिया है वो किसके अंदर बनेंगे आपके, इसीडिया। ठीक है, इसीडिया में एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपका जो है इसीडिया बनते हैं। जो इसीडियम है ये किस चीज से बना हुआ था आपका, एल्गल सेल एंड फंगल हाइफी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, एल्गल सेल का भी और फंगल हाइफी का भी।
जो इसीडिया है ये सरफेस के ऊपर बनेंगे, मैच्योर होने के बाद जो इसीडिया है ये डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द मेन बॉडी, ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है, जो थैलस स्ट्रक्चर होता है उससे डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इसीडिया आर फाउंड इन द पार्मेलिया, इसीडिया जो मेनली है आपके पार्मेलिया के अंदर पाए जाते हैं। डिटैच होने के बाद क्या है, जैसे इनको स्टेबल सब्सट्रेटम मिलेगा इसीडिया को, ये क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये न्यू थैलस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है सोरिडिया। जो सोरिडिया आर स्मॉल बड लाइक आउट ग्रोथ, जैसे बड निकलती है, आपने यीस्ट के अंदर बड निकलती देखी होंगी, ठीक है, या आपने घर पे पोटैटो देखा होगा उससे भी बाहर आपका ग्रीन ग्रीन कई बार स्ट्रक्चर निकल जाता है, उसको हम बड बोलते हैं। तो जो सोरिडिया होते हैं आपके बड लाइक आउट ग्रोथ होती है, ये किस पे, सरफेस पे मिलती है, थैलस के सरफेस पे ही बनेंगे। जैसे इसीडिया बनते थे उसी तरीके से आपके सोरिडिया भी बनेंगे। जो सोरिडिया आर कम्पोज ऑफ मेनी एल्गल सेल विद फ्यू फंगल हाइफी, जो सोरिडिया होते हैं इसके अंदर एल्गल सेल्स ज्यादा होंगी और जो फंगल हाइफी होती है वो कम होती है। इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं, ये हमें इधर जो है इसीडिया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे राइट साइड है ये हमारे सोरिडिया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये लाइट एंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें इसीडिया और जो सोरिडिया स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सिफेलोलोडिया, ठीक है, सिफेलोलोडिया क्या होता है आपका, दे आर एक्सटर्नल और इंटरनल गाल लाइक आउटग्रोथ। जो सिफेलोलोडिया है ये इंटरनली भी ग्रो कर सकते हैं और सरफेस पे भी ग्रो कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके, दे आर डार्क इन कलर, इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन हो जाए, ठीक है, डार्क ब्लैक हो जाए, तो इस तरह के ये कलर में प्रेजेंट होते हैं आपके। दे कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफी एनक्लोज्ड इन एल्गल सेल, ठीक है, ये आपके फंगल हाइफी और एल्गल सेल दोनों से मिलके बने होते हैं सिफेलोलोडिया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, पाइनिसीडियो स्पोर्स हैं, कोनिडियस स्पोर्स हैं, ऑइडियस स्पोर्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जो है इसके अंदर बनते हैं। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जो हाइफी है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर डेवलप हो जाती है और उन्हीं को हम स्पोर्स बोल देते हैं ऑइडियस स्पोर्स। जो साइनिसियो स्पोर्स हैं, जबकि एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करते हैं, फ्लास्क टेप का जो स्ट्रक्चर आपने फ्लास्क देखी होगी उस टेप का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम पाइसिनिया बोलते हैं, उसके अंदर आके पाइसिनियो स्पोर्स जो है वो डेवलप करेंगे। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमस टाइप का होता है, इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एसोगोनियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्मेटिया होते हैं। ओगैमेट जो है, ओगैमेट की एक करेक्टराइज है कि ये फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। जो मेल गैमेट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एक्टिव होते हैं और मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, जबकि जो फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और आपके नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये ओगैमेट की करेक्टराइजेशन है। अब एस्कोगोनियम जो है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एस्कोमाइटस फंजाई के अंदर एस्कोगोनियम होता है। जो हाइफी है फंजाई के अंदर वो आपकी एस्कोगोनियम के अंदर डेवलप करेगी, ठीक है, एस्कोगोनियम जो हाइफी के ऊपर आपका एस्कोगोनियम डेवलप करेगा। मतलब क्या है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो फंजाई के ऊपर ग्रो करेंगे, इसी के बेस पे इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। जब एस्कोगोनियम के ऊपर ये जब एस्कोमाइकोटा के ऊपर डेवलप करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोगोनियम। एंथ्रीडियम जो स्पर्मेटिया क्या होता है, ए नॉन मोटाइल मेल गैमेट, आपका नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, रेड एल्गी और फंजाई के अंदर जो पाया जाता है, कलरलेस सेल्स होती हैं इसकी फंजाई और लाइकन की, जो स्पर्मेटोगोनिया आपका डेवलप हो जाएगा उसमें। अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड पढ़े हैं, अब आगे भी हम थोड़े से डिटेल में मेथड पढ़ेंगे। जैसे सोरिडिया हमने देखा है कि सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, इसीडिया को देखा है वो भी सरफेस पे ग्रो करता है, सोरेलिया है, सिडोफिफेलिया है, साइफेलिया है, सीलिया, तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं। जो मेन मेथड है वो आपके सोरिडिया है, इसीडिया है, ठीक है, तो इनसे जो आपका रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। अब हम सोरिडिया को देखते हैं, सोरिडिया को हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि आपके बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन ग्रीन जो कलर के आपको ये बड दिखाई दे रही है इनको हम सोरिडिया बोल रहे हैं। लेयर आपकी वही है, जो अपर लेयर है ये फंगल हाइफी है, ठीक है, और जो आपके बीच में जो है उसके बाद एल्गल जोन है, उसके बाद मेडुला है आपका, फिर उसके बाद आपकी लोअर जो कॉर्टेक्स है और उससे आपके जो नीचे येलो येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, इनको रिजाइंस बोलते हैं। तो जो सोरिडिया है आपके इस तरह से ग्रो करेंगे, जो सोरिडिया आपके ग्रेइश कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, राउंडेड राउंड शेप के होंगे, बड लाइक आउटग्रोथ, जैसे बड निकलती हैं उसी तरह से ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, आउट सरफेस पे। डेवलप ऑन सरफेस ऑफ थैलस, थैलस के सरफेस पे डेवलप करेंगे, अंदर डेवलप नहीं करेंगे, सरफेस पे डेवलप करेंगे और ये डिटैच हो जाएंगे इससे सोरिडिया, और फिर जैसे ही ये स्टेबल सब्सट्रेटम इनको मिलेगा तो ये वहां पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका इसीडिया। जो इसीडिया होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, कोरल लाइक आउटग्रोथ। जो इसीडिया स्पोर्ट्स होते हैं ये भी, इनकी भी कोरल लाइक आउटग्रोथ होती है। ये भी डेवलप फ्रॉम द थैलस, ये भी थैलस से ग्रो करते हैं, उसके सरफेस पे ग्रो करेंगे। इसीडिया का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेक द फूड। ठीक है, जो प्लांट्स है वो सनलाइट और वाटर और CO2 की हेल्प से फूड बनाते हैं। तो वो जो फूड बनाने का काम जो लाइकन का है वो कौन करेगा, एल्गल पार्ट, जिसको हम फाइकोबायोंट पार्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए स्पोर आपके फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। लाइक सोरिडिया, दे आर इजिली डिस्पर्स। जैसे सोरिडिया सेपरेट हो जाते हैं अपने सबस्टेटम से, जो उसका थैलस जो डिटैच हो जाते हैं, और उससे सेपरेट होने के बाद जैसे ही उनको स्टेबल सबस्टेटम मिल जाएगा, जो इंसीडियस स्पोर्स हैं इनको भी स्टेबल सबस्टेटम मिलते ही जो ये स्पोर्स हैं आपके डेवलप कर जाएंगे, किसमें, न्यू थैलस के अंदर। तो इस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फाउंड ओनली माइक्रोबियंट। जो माइक्रोबियंट पार्ट होता है, जो फंजाई वाला पार्ट होता है, पंजाई वाले पार्ट में ही आपके जो सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप करते हैं, एस्कोगोनियम और स्पर्मेटिया या एंथ्रीडियम है। फाउंड ओनली इन माइक्रोबियंट, माइक्रोबियंट के अंदर ये पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गन होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है, एस्कोगोनिया होता है। रिप्रोडक्शन को हम इसको स्पर्मेटाइजेशन बोलते हैं। एस्कोकार्प में भी एपोथीसियम और पेरिथीसियम एंड एस्कोस्ट्रोमा। जो एस्कोकार्प होते हैं वो एपोथीसियम भी होते हैं, पेरिथीसियम भी होते हैं, और एस्कोस्ट्रोमा कुछ भी इसके अंदर पार्ट हो सकता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एस्कोस्पोर है। एस्कोस्पोर जो डेवलप करेंगे वो किसके ऊपर डेवलप करेंगे, हाइपर ब्रांच के अंदर। और हाइपर से हाइपर ब्रांच से वो बने हैं, फंजाई से वो बने हैं। तो वो स्पोर जब ग्रो करेंगे, उनको स्टेबल सबस्टेटम मिल जाएगा, तो वो भी किसमें ग्रो करेंगे, हाइपर ब्रांच के अंदर। ठीक है, फंजाई के अंदर ही वो चेंज होंगे। उसके बाद हाइपर ब्रांच के साथ कम्बिनेशन करके आपकी फ्री लिविंग जो एल्गा होता है, इस तरह से आपका जो लाइकन थैलस है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल भी इसमें दिखाई गई है। जो लाइकन है आपके, लाइकन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एपोथीसियम स्ट्रक्चर होते हैं, पेरिथीसियम होते हैं। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है ये एपोथीसिया है, और ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये थैलस स्ट्रक्चर है। थैलस के ऊपर आपको जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एपोथीसिया। ठीक है, जब हम इसको इंटरनली डायग्राम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में लगा के, ठीक है, कट करके सेक्शन, तो इसका हमें इस तरह से कप लाइक जो स्ट्रक्चर है एपोथीसियम दिखाई देता है, और उसके अंदर जो आपको स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स डेवलप करते हैं। जो पेरिथीसियम है ये थोड़ा सा फ्लास्क शेप होता है, डीपली होता है। ठीक है, इसके अंदर भी जो स्पोर बनते हैं उसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। अब आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। लाइकन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी है वो है सोइल फॉर्मेशन। कि जो लाइकन्स है ये आपकी सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट सक्सेशन इसको हम बोलते हैं, लैंड सक्सेशन बोलते हैं, कि कोई भी न्यूली फॉर्म्ड लैंड है तो वहां पे जो न्यू वेजिटेशन ग्रो करती है तो उसमें आपका सबसे पहले लाइकन ग्रो करता है। तो इस तरह से जो लाइकन है आपकी सोइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ग्रोथ ऑफ न्यू वेजिटेशन, कोई भी न्यू वेजिटेशन है उसको इन्वाइट करती है। एनरिच बाय फॉर्मिंग द ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आपकी फर्टाइल सोइल होती है। जैसे कोई प्लांट है उससे पत्ते वगैरह झड़ जाए, टहनी वगैरह झड़ जाए, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी में मिल जाने के बाद वो सोइल को फर्टाइल बना देते हैं। ब्लैकिश कलर की होती है आपकी, थोड़ी फर्टाइल टॉप लेयर होती है आपकी अर्थ की। तो ये आपकी, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फूड। जो लाइकन है इनको एज ए फूड की फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लाइकनिन एक कंपाउंड होता है जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, जिसकी वजह से लोग इसको खाते हैं। इन आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड जो हमारा देश है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ठीक है, इसके अंदर सिटेर एरिया आयरलैंडिका एक स्पीसीज होती है इसकी लाइकन की। ठीक है, उसको फूड की फॉर्म में हम यूज करते हैं वहां पे जो लोग हैं। ठीक है, ये डायग्राम में वही दिखाया हुआ है, सिटेर एरिया आयरलैंडिका। ठीक है, इसको लोग खाने की फॉर्म में यूज करते हैं, कहाँ पे, आयरलैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर और नॉर्वे के अंदर। नेक्स्ट है हमारा साउथ इंडियन जो पीपल होते हैं, ठीक है, वो करी की फॉर्म में, ठीक है, डिलीशियस करी बनाते हैं। पार्मेलिया आपको लिप्लाई है, इसको ड्राई करके फॉर्म में, और इसको जैसे मतलब करी, हाँ, वो लिक्विड वाली करी जो बनाते हैं उसमें फिर आपका करी, इसको डिलीशियस करी, ठीक है, इससे टेस्ट डेवलप हो जाता है उनका। तो पार्मेलिया को वो साउथ इंडियन जो लोग हैं करी की फॉर्म में यूज करते हैं। रेंडियर जो मोस है, द ओनली फूड फॉर रेंडियर एंड कैटल ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के टाइम में वेजिटेशन है, आपने देखा होगा ज्यादा, जहां पे ठंड होती है वहां पे वेजिटेशन खत्म हो जाता है या बर्फ से कवर हो जाता है, तो रेंडियर मोस होता है वहां पे। ठीक है, रेंडियर मोस जो आपका किसके अंदर आता है, ये आपका लाइकन के अंदर आता है। तो इसको फोडर की फॉर्म में यूज करते हैं, कौन, रेंडियर और कैटल। ठीक है, तो चारे की फॉर्म में वो उसको खाते हैं।
इसके अलावा जो इसके यूज है वो है डाई एंड परफ्यूम बनाने में, ठीक है। लाइकन का जो यूज होता है डाई और परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन बनाने में, तो डाई जो है कौन सी बनती है, रोसेला टिंटोरिया एक स्पीसीज होती है आपकी लाइकन की, जिससे कि लिटमस, ठीक है, लिटमस एक इंडिकेटर होता है, इसको हम लैबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर के फॉर्म में इसको हम लाइकन से ही निकालते हैं। तो इसका नाम क्या है, रोसेला टिंटोरिया। रोसेला जो स्पीसीज है इससे एक कंपाउंड निकलता है ऑर्चिल, ठीक है, जिसको हम डाइंग वूलन फैब्रिक, ठीक है, कपड़े को रंगीन करने के लिए हम ऑर्चिल को यूज करते हैं, वो भी आपका रोसेला स्पीसीज से निकलता है। इसके अलावा इसके अंदर क्लियर रेसिनियस सब्सटेंस होता है जिसको हम परफ्यूम में यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी जो है स्मेल पैदा हो जाती है, ठीक है। अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये कपड़ा है, ठीक है, इसको डाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ रोसेलिया, ठीक है, और इधर ये आपका एनिमिया पस्टुरिया है। एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर, दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट यूज ऑफ लाइकन, कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जहां पे भी पॉल्यूशन होगा जिस भी एरिया में, ठीक है, वहां पे ये ग्रो नहीं करते, और जो मेनली है ये कहां किसका जो पॉल्यूशन को शो करते हैं, लो लेवल ऑफ SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जहां भी प्रेजेंट होगी चाहे उसका लो लेवल हो, वहां पे भी जो है आपके लाइकन ग्रो नहीं करेंगे, तो इनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, जो लाइकन होते हैं। तो CO2 सल्फर डाइऑक्साइड जहां भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट होगी, मतलब वहां पे पोल्यूशन होगा हल्का फुल्का, वहां भी आपके ग्रोथ नहीं करते। जियोलॉजिकल एस्टिमेशन, जियोलॉजिकल एस्टिमेशन में भी ये आपके हेल्प करते हैं जो लाइकन है, ठीक है, कैसे ये स्लो ग्रो है, जो ये स्लो करते हैं अगर, और राइजोकार्पन जिगोरियम है, ठीक है, यूज टू एस्टिमेट द डेट ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट, ठीक है, एक ईरा होता है पूरा जियोलॉजिकल टाइम को, कि किस टाइम क्या हुआ, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ बनी थी तो उसका पूरा एक जियोलॉजिकल चार्ट होता है, तो उसके एस्टिमेशन में भी जो हमारे ये लाइकन है ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज हमने लाइकन के बारे में पढ़ा है इसके पूरा, कि कैसे इसके अंदर कहाँ पे जो लाइकन सबसे पहले क्या होते हैं, एसोसिएशन होते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंजाई के बीच में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ लाइकन को हम लाइकनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमने इसका हैबिटेट पढ़ा है, कौन कौन से कलर में प्रेजेंट होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी है कि डिफरेंट इसकी टाइप्स होती है मॉर्फोलॉजी के बेस पे। फिर हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है। फिर हमने इसका रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन के अंदर हमने इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे इसका सबसे पहले हमारा क्या है कि फॉरेस्ट फायर जब जहां पे जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, वो इनकी वजह से होती है, लाइकन की वजह से। और जो लाइकन है कुछ जैसे स्टेम ऑफ सैंडलवुड ट्री, सैंडलवुड ट्री क्या होता है आपका, जैसे सैंडलवुड ट्री आपको पता है बहुत महंगा होता है, तो उसके सरफेस पे बार्क पे लग के उसको खराब कर देता है, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। जो लाइकन है ग्लास सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं, मार्बल सरफेस पे, और उसको खत्म कर देते हैं, जिससे कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। कुछ जो लाइकन है वो मोसिस को पैरासिटिक अटैक भी कर देते हैं, और कुछ लाइकन से एलर्जी भी होती है। जो लाइकन है ये रेडियो एक्टिविटी को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, व्हेन कैटल ईट सच लाइकन, अगर कैटल उन जो लाइकन है ये रेडियो एक्टिविटी को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब कैटल उनको खा लेंगे तो क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंटर इनटू द फूड चेन। तो इस तरह से इसके नुकसान भी हैं, ठीक है, जो हम इसके देख सकते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसके यूजफुल एक्टिविटी भी और इसकी हार्मफुल एक्टिविटी भी।